And welcome to my new vlog. Very good morning to all of you. So, namaskar, kem cho, sasriya kal. आखिर लैंग्वेज तो आती नहीं है. तो चलो व्लॉगिंग आज की स्टार्ट करते हैं. तो आज हो गई है 10 अक्टूबर. तो फिलहाल आज के व्लॉग के हाइलाइट्स का तो मेरे को पता नहीं, बट एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी है. 10 अक्टूबर हो चुकी है एंड 11 अक्टूबर को मम्मा का बर्थडे आता है. तो आज रात 12 बजे के लिए हमें खूब सारी प्रिपरेशन करनी है. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ऐसा कि वो खुश हो जाए. मतलब कि यार समटाइम्स ना डेली आपके पेरेंट्स आपको खुश रखते हैं, आपके लिए नई नई चीज़ें करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं. तो इट्स टाइम कि हमें उनको भी खुश रखना चाहिए एट सम मोमेंट. तो आज उनका मतलब कल उनका दिन होगा, तो हम उनके लिए कुछ प्लान करेंगे. बट क्या अभी मेरे को खुद भी नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी तो जिससे वो थोड़ी खुश सी हो जाए. मतलब कि अब पता नहीं क्या होगा, बट आज काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी है उसके लिए. तो हम थोड़ा बिजी रहेंगे, बट आपको सब कुछ दिखाएंगे. ओके कल हमने बोला और आज आ गया. तो अगर टेक्नो गेमर्स देख रहे थे थैंक यू. वैसे हमारा व्लॉग आया था 9 बजे, तो पता नहीं उन्होंने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, बट फिर भी थैंक यू. कभी कभी तो देख लोगे. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा प्रिपरेशन का अभी हमने नहीं सोचा है, बट हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एंड सीक्रेटली करना पड़ेगा ताकि मम्मा को ना पता लगे. क्योंकि मम्मा इज ऑलरेडी ना प्लान कि मतलब हम लोग कुछ करने वाले हैं. उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि हम लोग कुछ करेंगे उनके लिए. तब से कह रही है कि तुम लोग मेरे को पता है 12 बजे कुछ करोगे मेरे लिए. तो हमने उन्हें भरोसा दिला दिया कि हम नहीं करने वाले, बट मम्मा है वो आखिरकार हमारी. तो एक तो उन्हें कल का ब्लॉग देखने से बचाना है एंड द सेकेंड थिंग हमें करनी है कि सीक्रेटली उनकी सारी बर्थडे की प्लानिंग करनी है ना. आप लोग भी हमारे साथ देना. ओके चलो तो अभी हम थोड़ी प्लानिंग करके आते हैं. मिस जी नहीं बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, हम इसे थोड़ा कंट्रोल करके आते हैं. तब तक आप लोग आगे कंटिन्यू करो ठीक है. ये शाम और हम लोग मैं और यशु जा रहे हैं बाहर सामान लेने. ओके चल आ जा. ये देखो अभी दिखा लो, ये देख लिया पेन है, पेन मंगाए थे ना तुमने. ठीक खोलो इसे वरना पता लगा केक कटिंग से पहले मैं सिर्फ नाश मार दूँ. आके रख दो, मम्मा की नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए. चाकू दिया ना इसने? हाँ दिया तो है. ठीक है पिछली बार तो हम मिस्ट्री का नाम ही लिखवाना भूल गए थे, इस बार एटलीस्ट हम नाम तो लिखवा के लाए हैं. मेरे को याद रहा. कहाँ तुम्हें याद रहा? ठीक है चलो जल्दी रख. मेरे को पता ही नहीं था. अब पता लग गया कि नाम भी लिखवाया था केक पर. ओ अच्छा मम्मा की नज़रों में नहीं आना चाहिए बस. जब मेरा बर्थडे आएगा तब कहाँ छिपा के रखोगी? तो आ चुकी हैं अपने टाइम से पहले आ गई हैं और हम लोग कुछ प्रिपेयर भी नहीं कर पाए. हम लोग बात ही कर रहे थे तभी अम्मा थोड़ी देर में आ गई थी 5 मिनट बाद. तो पता नहीं अब क्या होगा. होप फॉर दी बेस्ट. 12 बजे का वेट करते हैं. जस्ट 12 बजने वाले हैं, मतलब बस 12 बज गए हैं. तो अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 11:48 हो रहा है. अब तक मम्मा को पोहे वगैरह नहीं, मम्मा आराम से बाहर बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं. बट कहीं ना कहीं देखना इन्हें आइडिया तो है यार. तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है. जैसे मिस्टी के बर्थडे पे हो रही थी वैसी हो रही है. तो
हमने मम्मा को बंद कर दिया है कमरे के अंदर, अंदर लेटी हुई थी। जल्दी से निकाल लो, होल्ड अ मिनट यार, टाइम भी हो गया, 11:57 हो गए हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Oh. Happy birthday, dear Momsy. Happy birthday to you. आज का सेलिब्रेशन यहीं पे ओवर हो जाता है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मा वंस अगेन। थैंक यू। तो वैसे तो मम्मा को पूरा आइडिया था, पता है सुबह से, मतलब कि कल से ही कह रही हैं कि तुम लोग मेरे को पता है कुछ करोगे। अरे करोगे तो पता लग ही जाता है ना यार, कोई साल छोड़ो तो फिर लगेगी हाँ चलो यार लास्ट ईयर छोड़ दे तो इस साल भी शायद नहीं करेंगे। हर साल करोगे तो पता ही लग जाएगा कि कुछ तो करने वाले हो। तो यार वो भी जबरदस्ती मुझे मेरे फ्रेंड उसके घर चले जाओ उसके घर चले जाओ पता ही लग जाएगा यार। तो फाइनली अभी हम देखो अब कल सेलिब्रेट करेंगे, नहीं नहीं करेंगे ये भी बता दिया। तो चलो ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, इससे लंबा नहीं करते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट। बाय। मम्मी जी के गणेश जी काट रहे हैं। मम्मी जी के गणेश जी।